हाँ दोस्तों, हर गंगे आप देख रहे हैं रमेश कुमार वी ब्लॉग्स, और रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को यात्रा से जुड़ी जानकारी, साथ साथ आपको हर की पौड़ी का लाइव दृश्य देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आ गया हूँ हर की पौड़ी जाने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, और आप लोगों को मैं दृश्य दिखा रहा हूँ रेलवे स्टेशन का। और काफ़ी सारे श्रद्धालु देखिए रेलवे स्टेशन पे ही रुके होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन अपने सामान की जिम्मेदारी खुद करनी पड़ती है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों को ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, और अपने कार से आते हैं तो उसकी यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर, इससे क्या है हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के समस्त प्लेस और समय जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगातार हरिद्वार में आ रही है, तो कोविड का बढ़ने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे रूल में चेंजिंग हो रही है कुछ न कुछ डेली। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखें, जिससे क्या है आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को हरिद्वार का ट्रेन की सफ़र करके दिखाने वाला हूँ। पहले की तरह सबसे पहले मैं रुड़की रेलवे स्टेशन से ये बैठा, हल्की हल्की बारिश सुबह सुबह हो रही थी जब मैं आया रेलवे स्टेशन, तो अभी आप लोगों को रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे अभी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। हर की पौड़ी में भी अभी देखने काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ से उतर रहे हैं। ये हेमकुंड ट्रेन है जो माँ वैष्णो देवी कटरा से चल के ऋषिकेश जाती है। दोस्तों, अभी मैं मेन गेट की ओर से आप लोगों को फिर से रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाने वाला हूँ। कहीं पे कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि भाई आप रेलवे स्टेशन का दिखाया करें, तो क्या है मैं सबसे पहले रेलवे स्टेशन का दिखाता हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु निकलती है। आप देख सकते हैं शांति कुंज के लिए आप बस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, पहले बस नहीं लगा हुआ था। आप लगता है अगर आप शांति कुंज आश्रम जाना चाहते हैं, जहाँ पर सेवा फ्री होती है, रहना खाना सब फ्री होता है, और अपनी सेवा प्रदान करनी होती है, तो आप देख सकते हैं ये शांति कुंज की बस लगी हुई है। आप अगर जाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ तक आपको ड्रॉप करेंगी। और ये देख सकते हैं ये बाहर का रेलवे स्टेशन बाहर का दृश्य है। दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले मैं कुछ मंदिर हैं जो मैं दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को। ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो हर की पौड़ी में स्थित है, और ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको, तब दर्शन आसानी से हो जाएगा आपको। ये देख सकते हैं, ये आप केदारनाथ महादेव के दर्शन कीजिए, क्योंकि केदारनाथ तो काफ़ी अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे। आप देख सकते हैं यहीं से भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं आप। ये बद्रीनाथ जी का दर्शन करें यहाँ से आप, केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन आप मेरे चैनल से ही कर सकते हैं घर बैठे, और आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम जा नहीं सकते केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन हम हर की पौड़ी में स्थित मंदिर से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आज के दिन का, आज का दिन है शनिवार, और आज है 3 जुलाई, और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा होने वाली है। अभी भीड़ बढ़ रही है, आप देख सकते हैं अभी के टाइम, ये सुबह के 8 बजे का टाइम है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये महिला घाट से लेके हर की पौड़ी तक का दृश्य है। ये है आपका ब्रह्मकुंड की दर्शन आप अभी कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। ये हर की पौड़ी का दृश्य आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्नान करने वाले लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ नई घाट का दृश्य। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि आप नई घाट का दृश्य एक बार दिखाइए, क्योंकि क्या है हमको मुंडन का कार्यक्रम कराने आना है और हमें अस्थि विसर्जन कराने आना है। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था, तो कि ये देख लीजिए हर की पौड़ी में स्थित नई घाट, और आप देख सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होने वाली है।
काफ़ी सारे श्रद्धालु कह रहे थे कि अगर हम शनिवार और रविवार को आए तो हमें क्या मार्केट की सुविधा मिलेगी, शॉपिंग कर पाएंगे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मार्केट का दृश्य आप देखना चाहते हैं, शनिवार का दृश्य आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट का भी सुबह के 8 बजे हैं और आप देख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको अगर आ रहे हैं तो। और ये मार्केट खुले हुए हैं अभी 8 बजे इस टाइम, काफ़ी सारे मार्केट अभी शॉप खुल रहे हैं और काफ़ी सारे अभी खुलने को है, आप देख सकते हैं, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आने जाने के लिए ऑटो की सुविधा आपको मिलेगी, और आप देख सकते हैं अभी आप लोगों को मैं हर की पौड़ी पर स्थित मार्केट के कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, पूरी मार्केट यहाँ पे खुली हुई है। आगे का कुछ मार्केट जहाँ पे थोड़ी भीड़ कम होती है वहाँ का मार्केट नहीं खुला हुआ है, और यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है इस कारण यहाँ पे मार्केट जल्दी ही खुल जाती है। अब हर की पौड़ी से माँ गंगा के दर्शन कीजिए, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ आज होने वाली है। अभी का भीड़ देख सकते हैं, अभी कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। और आप जैसे आते हैं तो कोविड का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहें, जिससे क्या है आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि क्या है अगर कोविड अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है तो हमें इस बात की ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, और ये आप सुभाष घाट का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं सभी तरफ का दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं सुभाष घाट का दृश्य फिर से दिखा रहा हूँ, पहले मैं पुल से दिखाया था, अब मैं घाट पे आके घाट का दृश्य दिखा रहा हूँ। तो ऐसा दृश्य काफ़ी अच्छा दृश्य दिखने को मिल रहा है, और काफ़ी भीड़ भी दिखने को मिल रही है। और अभी का मौसम आपको बता दूँ, अभी का मौसम देखिए शाम सुबह सुबह बारिश हुई थी हल्की हल्की, और आपको बता दूँ अभी का पूछे तो अभी काफ़ी तेज़ धूप वाली महसूस हो रही है, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। अगर आप कार से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ट्रेन से तो आपको दिखाई दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाइक से आ रहे हैं तो आपको कोविड टेस्ट, अगर कार से आए तो भी कोविड टेस्ट बॉर्डर पे चेकिंग हो सकती है, तब आपको दिखाना पड़ सकता है अगर रिपोर्ट आपके पास है। अगर रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पे चेकिंग करानी पड़ सकती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 15-20 मिनट में आपको वहाँ का रिजल्ट मिल जाएगा कोविड टेस्ट का। कभी परेशानी नहीं होने वाली है, अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं वहाँ पे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। और बस की सेवा के बताऊँ तो हरियाणा और चंडीगढ़ की बस सेवा चालू हो चुकी है, दिल्ली भी कुछ कुछ बसें जा रही है, लेकिन सभी बस नहीं जा रही है, तो दिल्ली वाले यात्रियों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।